हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं कांशा और आज का वीडियो जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए इज 25 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड सी 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, हमें पता है कि वाटर यानी कि पानी के तीन फॉर्म्स होते हैं। एक तो है जो कि लिक्विड फॉर्म होता है, दूसरा जो कि आइस होता है सॉलिड फॉर्म, और तीसरा है जो कि वाटर वेपर्स होते हैं वो है गैस फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं किस टेम्परेचर पे पानी किस सिंक में मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये ना तो बहुत ही गर्म टेम्परेचर है ना ही बहुत ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें क्या दिखता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर जो होता है वो पानी जो हम कह रहे हैं उसको, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। बी पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस कैसा टेम्परेचर होता है, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर माना गया है। ठीक है, तो जब बहुत ही ठंडा पानी को बहुत ही ठंडा टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। आइस कौन सा फॉर्म हुआ, सॉलिड फॉर्म। चलिए देखते हैं सी। सी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री 24 डिग्री, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होता है, गर्म होने लगता है और धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉयल होने लगता है। तो बॉयल होते तो उसमें से क्या निकलती है, वाटर वेपर्स निकलती है। वो वेपर्स क्या चीज है, वो वेपर्स जो है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है जो कि वो गैस फॉर्म में रहता है। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको अगले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।